लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर दैट इज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्लेंग ये बताना है इनमें से कौन से नंबर्स को प्राइम्स है नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है दैट इज वन यहाँ ऊपर लिख देती हूँ को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विंग वन एज अ कॉमन फैक्टर अगर कोई और कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नहीं होगा फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट है एटीन एंड थर्टी फाइव आप देखिए एटीन के फैक्टर्स अगर निकालें तो एटीन के फैक्टर्स है वन एंड एटीन टू नाइनज एटीन होता है राइट right? थ्री सिक्स ज एटीन होता है एंड सिक्स थ्री जटीन होता है दैट्स इट ये हमारे फैक्टर्स हो गए एटीन के तो एटीन के फैक्टर्स हो गए वन हमने फैक्टर्स ये वाले लिख लेंगे वन टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन तो वन टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्टी फाइव तो हम थर्टी फाइव के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे तो 35 का फैक्टर क्या क्या होगा वन इन टू होता है अब हमें पता है फाइव के टेबल में आएगा फाइव सेवन थर्टी फाइव तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो गए थर्टी फाइव के वन फाइव सेवन एंड थर्टी फाइव तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन कोई भी कॉमन नहीं है क्या कॉमन फैक्टर है इसका सिर्फ वन है देखिए ये वन कॉमन फैक्टर है तो हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर है हमारा वन तो हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कॉमन फैक्टर वन होता है तो वो नंबर को प्राइम कहलाता है तो यहाँ पे लिख देती हूँ एज कॉमन फैक्टर इज वन देन 18 एंड 35 आर कोप्राइम कोप्राइम है हमारे राइट लेट्स डू सेकंड पार्ट नाउ बी पार्ट इज 15 एंड 37 अब 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो देखिए 15 1 इन टू फिफ्टीन होता है और थ्री फाइव 15 होता है दैट्स इट तो हमारे फैक्टर्स निकल जाएंगे इसके तो 15 के फैक्टर्स आ गए कौन से देखिए वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन तो वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन अब इसी तरीके से 37 का देखिए 37 के फैक्टर्स वन इन थर्टी सेवन थर्टी सेवन ही आएगा लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं नंबर ही नहीं है जो थर्टी सेवन को डिवाइड करता हो तो हमारा वन एक फैक्टर हो गया और थर्टी सेवन अब लेकिन अगर कॉमन फैक्टर देखें तो इसमें एक वन है दैट्स इट तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया वन तो हम लिख सकते हैं एज कॉमन फैक्टर इज वन देन फिफ्टीन एंड थर्टी सेवन क्या हो गए थर्टी सेवन आर कोपराइट राइट तो दिस इज आर आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ सी पार्ट है हमारा थर्टी एंड फोर वन फाइव तो देखिए थर्टी के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए वन इंटू थर्टी थर्टी होता है टू इंटू फिफ्टीन थर्टी होता है और थ्री इंटू टेन फिफ्ट टेन थर्टी होता है अब फोर के टेबल में थर्टी नहीं आता है फाइव के टेबल में आता है फाइव सिक्स आ थर्टी दैट्स इट तो हमारे थर्टी के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए वन आ गया टू आ गया थ्री आ गया फाइव आ गया सिक्स आ गया टेन आ गया फिफ्टीन आ गया एंड थर्टी आ गया राइट right? अब इसी तरीके से हम फोर वन फाइव के फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए वन इन टू फोर वन फाइव होगा एक तो फैक्टर और कौन सा फैक्टर हो सकता है ये फाइव से जाएगा फाइव से कितन, कितने टाइम्स जाएगा तो देखिए साइड में डिवाइड करके देख लूंगी फाइव से फाइव एट ज फोर्टी वन फिफ्टीन फाइव थ्री जिफ्टीन दैट्स इट तो फाइव इंटू एट्टी थ्री इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 83 थ्री को और स्प्लिट नहीं किया जा सकता तो यही फैक्टर्स आएंगे तो फोर वन फाइव के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से आ गए वन आ गया फाइव आ गया देखिए वन आ गया फाइव आ गया 83 थ्री एंड फोर वन एट्टी थ्री एंड फोर वन फाइव अब कॉमन फैक्टर देखें तो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें देखिए एक तो वन आ रहा है और एक फाइव आ रहा है राइट दैट्स इट तो हमारे कॉमन फैक्टर आए वन एंड फाइव अब क्योंकि वन के अलावा फाइव भी है तो अबव नंबर नॉट अ कोप्राइम एज कॉमन फैक्टर इज वन एंड फाइव सो थर्टी एंड फोर वन फाइव आर नॉट नॉट को प्राइम लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ डी पार्ट इज 17 एंड 68. तो पहले 17 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो 1 इंटू 17, सेवनटीन होता है तो 17 के फैक्टर्स कौन कौन से आए 1 एंड 17. अब 68 के फैक्टर्स देखिए 1 इंटू 68, एट होगा 2 के टेबल में भी आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है तो थर्टी फोर इंटू टू इज सिक्सटी एट ना थ्री के टेबल में नहीं आएगा फोर के टेबल में आएगा फोर से कैसे पता चलेगा देखिए सिक्सटी एट को डिवाइड करके देख लीजिए फोर से फोर वन ज फोर और ट्वेंटी एट हो गया फोर सेवन ज ट्वेंटी एट राइट तो फोर इंटू सेवनटीन इज सिक्सटी एट दैट्स इट तो हमारे सिक्सटी एट के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए वन हुआ देखिए वन टू फोर सेवनटीन थर्टी फोर एंड सिक्सटी एट तो यही लिख देंगे टू फोर सेवनटीन थर्टी फोर एंड सिक्सटी एट अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालें तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हो गए देखिए एक तो वन हो गया और एक सेवनटीन हो गया राइट तो वन एंड सेवनटीन तो क्योंकि वन के अलावा सेवनटीन भी इसका कॉमन फैक्टर है तो क्या नहीं होगा ये को प्राइम नहीं होगा तो यहां लिख देते हैं एज इस कॉमन फैक्टर इज वन एंड सेवनटीन सो सेवेंटीन एंड सिक्सटी एट आर नॉट को प्राइम को आंसर लेट्स डू ई पार्ट नाउ ई पार्ट इज टू वन सिक्स एंड टू वन फाइव तो ये देखिए ये किससे जाएगा टू वन सिक्स के फैक्टर्स निकालें तो टू वन सिक्स का वन एंड टू टू वन सिक्स टू से चला जाएगा टू वन टू एंड जीरो टू एट सिक्सटीन अब इसी तरीके से इसी तरीके से थ्री से चला जाएगा थ्री सेवन ज़र ट्वेंटी वन थ्री टू जो सिक्स मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूँ इसको राइट अब फोर से देखिए फोर फाइव ज़र ट्वेंटी फोर फोर जो सिक्सटीन फोर से भी चला गया फाइव से नहीं जाएगा सिक्स से भी चला जाएगा सिक्स इंटू थर्टी सिक्स टू वन सिक्स अब सेवन से नहीं जाएगा एट टू जो सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स एट से जा रहा है तो एट से एट इंटू एट टू ज़ा सिक्सटीन एंड फिफ्टी सिक्स एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स अब आगे देखिए नाइन से नाइन टू ज़ा एटीन नाइनटीन ट्वेंटी थर्टी सिक्स नाइन से भी चला जाएगा तो नाइन इन टू नाइन टू ज़ा एटीन एंड नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स अब आगे देखिए टेन से नहीं जा सकता है एलेवन से भी नहीं जाएगा ट्वेल्व से देखिए तो तो से से अगर जाएगा नहीं जाएगा फोर्टीन से साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं फोर्टीन से टू वन सिक्स को अगर हम फोर्टीन से डिवाइड करें फोर्टीन वनजा फोर्टीन तो ये कितना आ गया 76. सिक्स और ये इससे नहीं जाएगा अब सिक्सटीन से करके देखते हैं क्योंकि फिफ्टीन से भी नहीं जाएगा तो हम टू वन सिक्स को सिक्सटीन से करते हैं सिक्सटीन वन सिक्सटीन तो ये आया फिफ्टी सिक्स सिक्सटीन से भी नहीं जाएगा दैट्स इट ये आ गया हमारे फैक्टर्स तो हम फैक्टर्स लिख देते हैं टू वन सिक्स के फैक्टर्स हो गए वन टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर सेवेंटी टू हंड्रेड एंड एट एंड टू वन सिक्स ये आ गए अब नेक्स्ट हम करते हैं टू वन फाइव के फैक्टर्स अब हमें निकालने टू वन फाइव के फैक्टर्स तो ये देखिए वन इन टू टू वन फाइव आया अब थ्री से जहीं जाएगा देखिए थ्री सेवन जॉ ट्वेंटी बच जाएगा तो फाइव से जाएगा फाइव फोर जॉ ट्वेंटी फाइव थ्री इसके अलावा कोई नहीं जाएगा तो टू वन फाइव के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए वन हुआ फाइव हुआ फोर्टी थ्री हुआ एंड टू वन फाइव हुआ अब अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है देखिए एक तो वन है टी थ्री दैट्स इट तो हमारा कॉमन फैक्टर वन है तो एज कॉमन फैक्टर इज वन सो टू वन सिक्स एंड टू वन फाइव क्या है आर को प्राइम को प्राइम है आंसर लेस डू लास्ट पार्ट नाउ एफ पार्ट है हमारा एट्टी वन एन सिक्सटीन तो देखिए एट्टी वन के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वन इंटू एट्टी वन इज एट्टी वन नाव थ्री के टेबल में जाएगा टू से नहीं जाएगा तो थ्री के टेबल में कितना आएगा तो देखिए माइंड में डिवाइड करते हैं थ्री टू 6 एंड थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन फोर से नहीं जाएगा क्योंकि वन नहीं आता सिक्स के टेबल में देखिए सिक्स के टेबल में भी वन नहीं आता सेवन से देखिए सेवन वन जैन सेवन से भी नहीं जाएगा नाइन से जाएगा तो नाइन नाइन नाइनजा एट्टी वन दैट्स इट इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा तो इसके अलावा नहीं जाएगा तो एट्टी वन के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए वन थ्री नाइन क्योंकि टू टाइम्स है तो एक बार लिखेंगे ट्वेंटी सेवन एंड एट्टी वन अब इसी तरीके से हम सिक्सटीन के निकालेंगे तो वन एंड टू सिक्सटीन जाएगा टू एट्सा सिक्सटीन होता है और फोर फोर जा सिक्सटीन होता है दैट्स इट तो हमारे सिक्सटीन के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए वन हुआ टू हुआ फोर टू टाइम्स था तो एक बार लिखेंगे एट एंड सिक्सटीन अब हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए देखिए अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वन एक कॉमन फैक्टर है दैट्स इट और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन है तो एज कॉमन फैक्टर इज वन सो Eighty one and sixteen are co prime, co prime. Answer.